हाय हेलो नमस्ते मैं हूं प्रवीण सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आलसी इंजीनियर्स के प्लेटफॉर्म पे क्या आप इंजीनियरिंग कर रहे हो यूनिवर्सिटी कॉलेज टीचर सब्जेक्ट से परेशान हो यार अभी भी बैकलॉग के डर में जी रहे हो तो मैं हूं ना तो हम आपके लिए लेके आ रहे हैं यूनिवर्सिटी वाइज कस्टमाइज कोर्सेज रिटन नोट्स सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डाउट सॉल्विंग लाइव सेशंस और उसके साथ साथ वन टू वन टीचर इंटरेक्शन तो अब देर किस बात ज्वाइन कम्युनिटी जा रहे हैं वो है equilibrium, okay? so equilibrium unit से से जो आपका equilibrium. Equilibrium unit से हम लोग देखेंगे आज टॉपिक okay? so आपको किस टाइप से रिएक्शंस फाइंड आउट करना है so चलिए देखते हैं आज के लेक्चर्स में सो बेसिकली इक्विलिब्रियम क्या है इक्विलिब्रियम इट इज अ स्टेट स्टेट ऑफ रेस्ट ओके सो एनी सिस्टम ऑफ फोर्सेज दैट कीप्स द बॉडी एट रेस्ट इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम ओके इट रेफर्स टू द सिस्टम ऑफ फोर्सेज रिजल्टेंट एक्शन इज जीरो मतलब कोई बॉडी आपको अगर रेस्ट कंडीशन में लाना है तो इसके ऊपर एक्ट होने वाले जो फोर्सेस है कोई भी फोर्सेस सपोज वर्टिकल फोर्सेस है ओरिजेंटल फोर्सेस है या फिर मोमेंट है इसका समेशन कितना आना चाहिए इसका समेशन आपको जीरो आना चाहिए इट मीन्स इसका रिजल्टेंट जो है रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेज जो है वो जीरो आना चाहिए तब जाके ये बॉडी रेस्ट कंडीशन में आएगी ओके इज इक्विलिब्रियम टू ब्रिंग द बॉडी एट रेस्ट कंडीशन ओके दैट इज नथिंग बट इक्विलिब्रियम सो इसके लिए कंडीशन क्या रहेंगे इक्विलिब्रियम के लिए इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन क्या रहेंगे इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन रहेंगे समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो समेशन ऑफ इज इक्वल टू जीरो एंड समेशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू जीरो एडिशन ऑफ जीरोल फोर्स समीशन ऑफ ऑल ओरिजेंटल फोर्सेज इज इक्वल टू वर्टिकल फोर्सेज इज इक्वल टू जीरो एंड समीशन ऑफ मोमेंट एक्टिंग ऑन बॉडी विल बी जीरो ओके दीज आर द कंडीशन ऑफ इक्विब्रियम सो वाइल सॉल्विंग न्यूमेरिकल हमें क्या करना है ये जो कंडीशन ऑफ इक्विब्रियम है ये याद रखना है ओके कंडीशन ऑफ इक्विब्रियम नेक्स्ट टर्म जो है हमें यूज करना है फ्री बॉडी डायग्राम ओके बेसिकली वॉट इज फ्री बॉडी डायग्राम इट इज एन आइसोलेटेड डायग्राम ऑफ एन ऑब्जेक्ट और एनी पॉइंट इन द सिस्टम इन विच ऑल द फोर्सेस एंड कपल मोमेंट्स एक्टिंग ऑन इट आर शोन इंक्लूडिंग सपोर्ट रिएक्शन मतलब क्या है? कोई बॉडी अगर आपको दिया है सर्फ, सर्फेस के ऊपर एक कोई तो बॉडी रख रखी है इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर मुझे निकालना है तो क्या करना पड़ेगा इस बॉडी को मुझे आइसोलेट करना पड़ेगा इसको आइसोलेट करना है और इसके ऊपर एक्ट होने वाले सभी फोर्सेज इंक्लूडिंग रिएक्शन आपको दिखाना है दैट इज नथिंग बट फ्री बॉडी डायग्राम ये कैसे ड्रॉ करते हैं हम एक्चुअल एग्जाम्पल में देखेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारे टॉपिक का जो नाम है आज लेमिस थेरम सो बाय यूजिंग दिस थेरम हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने है सो बेसिकली थेरम क्या है इफ थ्री कोप्लेनर फोर्सेस इफ थ्री कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट आर इन इक्विलिब्रियम देन इच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस ओके क्या है स्टेटमेंट इफ थ्री कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट आर इन इक्विलिब्रियम देन इच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन फोर्सेस. बेसिकली ये क्या है सो so, एक पॉइंट है सपोज टू और थ्री तीन फोर्सेस अगर एक्ट हो रहे तो बेसिकली दिस इज टू एंड थ्री. तीन फोर्सेस यहाँ पे एक्ट हो रहे ये एंगल मुझे सपोज दिया है दिस इज अल्फा दिस इज बिटा एंड दिस इज ग्यामा के तीन एंगल आपको दिए सो एज पर द स्टेटमेंट ऑफ एट एज पर स्टेटमेंट ऑफ इज दिस फोर्स अपॉन फोर्स अपॉन साइन ऑफ अपोजिट एंगल साइन ऑफ अपोजिट एंगल कितना है अल्फा देन फोर्स अपॉन साइन ऑफ अपोजिट एंगल एफ टू का अपोजिट एंगल क्या है ये अल्फा है अल्फा ओके दिस इज गैमा यफ वन अपॉन साइन ऑफ ग्यामा अपॉन साइन ऑफ अल्फा एंड थ्री अपॉन साइन ऑफ यॉन साइन ऑफ बीटा ओके सो दिस इज एज पर योर स्टेटमेंट ओके स्टेटमेंट लाइव का स्टेटमेंट क्या है इफ थ्री कोपलेनर फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट आर इन इक्विब्रियम देन इच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल बिट्वीन अदर टू फोर्सेज एक फोर्स है उसका अपोजिट साइन ऑफ एंगल मुझे लेना है सपोज योन लिया है ये अपोजिट एंगल क्या है मेरा ग्यामा है एज पर स्टेटमेंट थ्योरम के स्टेटमेंट के हिसाब से हमें ऐसे लिखना है ओके चलिए देखते तरह से हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं बाय यूजिंग थ्योरम ओके सो थ्योरम यूज करके प्रॉब्लम सॉल्व करना है चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल डिटरमाइन मैग्नीट्यूड एंड पोजीशन ऑफ फोर्सेस योर्स सो दैट

अलोंग एक्स अलोंग वाई डायरेक्शन में यह आएगा आपका सेवन पॉइंट फाइव पॉस ऑफ थर्टी और यह आएगा सेवन पॉइंट फाइव साइन ऑफ थर्टी ओके जो भी इंक्लाइन फोर्स है उसको हमें अलॉग एक्स अलॉन्ग वाई डायरेक्शन में रिजोल्व करके लेना है सबसे पहले ओके इन्क्लाइन फोर्स को रिजोल्व करके लेना है रिजोल्व करने के बाद में अभी क्या देख रहे हैं हम टॉपिक कौन से देख रहे हैं इक्विल्रियम

होरिजेंटल फोर्सेस इक्वल टू जीरो राइट वर्ड जाने वाले जो हम लोग पॉजिटिव लेते हैं लेफ्ट वर्ड आने वाले फोर्सेस हम नेगेटिव लेते हैं ओके सो माइनस सेवन पॉइंट फाइव थर्टी इट इज एक्टिंग इन लेफ्ट और डायरेक्शन

कैल्क्यूमे सॉल्व करने के बाद में मुझे आंसर मिलता है 8.66 नेगेटिव -8.66 मिलता है उस साइड में ले, ले जाने के बाद में इसको हम पॉजिटिव करेंगे 8.66 सो f साइन थीटा का वैल्यू मुझे मिल रहा है 8.66 ओके दिस इज इक्वेशन नंबर टू और हमें पता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या रहता है टेन थीटा सो डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1 ओके okay? डिवाइड इक्वेशन टू बाई इक्वेशन वन सो इक्वेशन टू को इक्वेशन वन से मैं डिवाइड करूंगा सोइन थी अपॉन कॉस्टा इज इक्वल टू टेन थी आपका कैंसिलेट कैंसल साइन थी अपॉन कॉस्ट थीटा इज नथिंग बट टेन थीटा इज इक्वल टू एट पॉइंट सिक्स सिक्स डिवाइड बाई सेवन ओके सो ये सॉल्व करने के बाद गिव यू थी पॉइंट जीरो फाइव डिग्री ओके थीटा का वैल्यू मुझे मिल रहा है 51.05 डिग्री अभी जीरो क्या करूंगा इक्वेशन में वन so, में पुट करूंगा सो यफ कॉस फिफ्टी वन पॉइंट जीरो का वैल्यू फिफ्टी वन पॉइंट जीरो करूंगा सो कॉस फिफ्टी वन पॉइंट जीरो वैल्यू मिलेगा यहाँ पे मल्टीप्लाई यहाँ पे जाके क्या होगा डिवाइड हो? होगा सो सेवन डिवाइड बाय कॉस ऑफ सेवन डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ फिफ्टी वन पॉइंट जीरो का वैल्यू मिलता है 11, 11 okay? 11 so, मुझे क्या पूछा था डिटरमाइन मैग्नेट्यूड एंड पोजिशन ऑफ फोर्स सो दैट फोर मेंटेन इन ओके सो इस तरह से आपको इसका फोर्स का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है हो होगा आपका मैग्नेट्यूड

जहां पर भी कोई सरफेस कोई ऑब्जेक्ट जहां पर भी कांटेक्ट करता है सरफेस में टच करता है कांटेक्ट करता है वहां पे उसका नॉर्मल रिएक्शन डेवलप होता है ओके okay? सो so, ये स्पीयर ने यहाँ पे कांटेक्ट किया है एट पॉइंट बी सो एट पॉइंट बी देयर विल बी अ नॉर्मल रिएक्शन दिस आर बी आर बी विल बी नॉर्मल रिएक्शन एंड इट विल एक्ट परपेंडिकुलर टू सरफेस हमेशा याद रखना है आपको नॉर्मल रिएक्शन जो एक्ट होने वाला है वो कैसे एक्ट होने वाला है इट इज ऑलवेज एक्ट

आर ए इन फर्स्ट क्वार ये मैंने आर ए यहाँ पे ड्रॉ किया आर बी यहाँ पे ड्रॉ किया अभी देखिए मुझे एंगल गिवन है यहाँ का 30 एंगल गिवन है मुझे गे? गे? ये एंगल से अभी ये एंगल मेरा 75 हो गया ये नॉर्मल रिएक्शन जो है ये परपेंडिकुलर ऑलवेज एक्ट होता है मेरा ट्रेंगल तैयार होता है सो रिमेनिंग एंगल फिफ्टीन ओके वन एटी डिग्री आपका पूरा एडिशन रहता है सो नाइनटी प्लस सेवनटी फाइव दिस रिमेनिंग बी फिफ्टीन डिग्री ओके सो ये फिफ्टी मैं एज इट इज फर्स्ट क्वार्टर में लेके जा रहा हूं यहाँ पे दिस इज योर आर ए रिएक्शन एंड मेकिंग एन एंगल फिफ्टीन डिग्री ओके सिमिलर वे में आपको क्या कर रहा है आर बी रिएक्शन जो है परपेंडिकुलर सो so, यहाँ पे नाइनटी डिग्री बना रहा है तो आपका एंगल यहाँ पे थर्टी यूवन है सो रिमेनिंग एंगल विल बी सिक्सटी डिग्री सो एज इट इज इट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट ओके सेकंड क्वाड्रेंट में इसको रख के रखेंगे यहाँ पे मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री ओके तीन फोर्सेस है 20 9.81 आर बी, और हमारा लेमीस थ्योरम क्या बोलता है थ्री फोर्सेस अगर है तो फोर्स अपॉन साइन ऑफ अपोजिट एंगल आपको करना है फोर्स अपॉन साइन ऑफ ऑपोजिट एंगल आपको यूज करना है सो बाय यूजिंग लेमीस थ्योरम फॉर दिस थ्री फोर्सेस बाय यूजिंग लेमीस थ्योरम RA अपॉन RA अपॉन

आरे विल बी वन जीरो आर ए का वैल्यू मिलेगा क्लियर सो बाय यूजिंग लैमिस करना है सरफेस बिटवीन अदर टू फोर्सेस सिर्फ सिंपली यूज करना है ओके टू फाइंड आउट सपोर्ट रिएक्शन चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल अगेन सेम एग्जाम्पल इज गिवन अस्पियर वेइंग वन थाउजेंड न्यूटन इज प्लेस इन अ रेंज एग figure. Find reaction at the point of contact. Point of contact कहां पर होगा यहाँ पे यहाँ पे point of contact है यहाँ पे point of contact है और मैंने आपको बताया point of contact जहां पे रहता है वहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन डेवलप होती है एक्जैक्टली परपेंडिकुलर टू सरफेस ओके अभी यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो कैसा है एक्जैक्टली परपेंडिकुलर टू सरफेस ओके इस तरह से एंड दिस पॉइंट ऑफ कॉन्टेट अगेन एक्जैक्टली परपेंडिकुलर टू सरफेस चलिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम निकालते फ्री बॉडी डायग्राम इसका वेट कितना दिया है मुझे वन थाउजेंड न्यूटन वेट इज गिवन वेट ऑलवेज एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन सो वेट इज वन थाउजेंड न्यूटन अभी यह कॉन्टेक्ट रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन आपको दिया है परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस ये कैसे एक्ट हो रहा है एग्जैक्टली ओरिजेंटल नॉर्मल रिएक्शन आर वन ओके सेकंड रिएक्शन कौन सा दिया मुझे आर टू दिया है एक्जैक्टली परपेंडिकुलर टू सरफेस ये नाइनटी है ये फोर्टी फाइव है सो रिमेनिंग एंगल विल भी रिमेनिंग एंगल आपका कितना रहेगा वो भी आपका 45 रहेगा ओके सो रिमेनिंग एंगल 45 ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में पुट कर रहा है ओके सेकंड क्वाड्रेंट में सो so, फोर्स 1 2 3 तीन फोर्सेस हो गए आपको लेमीस थ्योरम यहाँ पे फिर से यूज करना है लेमीस थ्योरम क्या है फोर्स अपॉन साइन ऑफ ऑपोजिट एंगल फोर्स अपॉन साइन ऑफ ऑपोजिट एंगल फोर्स अपॉन साइन ऑफ ऑपोजिट एंगल को इक्वेट करना है आपको ओके इसलिए यूज करते हैं लेमीस थ्योरम पहला फोर्स है मेरा r1 r1 अपॉन साइन ऑफ ऑपोजिट एंगल 90 plus 45 90 plus 45 दैट इज

ओके, okay. so, आपको मिलेगा आर वन का वैल्यू ये साइन थर्टी हो जाएगा ओके okay. okay. देखिए okay, अभी क्या दिया है यहाँ पे एक वॉल दिया है वॉल में एक जो इलेक्ट्रिक बल्ब है ये अटैच किया है बाय यूजिंग टू स्ट्रिंग्स दो स्ट्रिंग्स की वजह से यूज करके आपका जो बल्ब है यहां पे अटैच किया है। बल्ब का वेट दिया है उसका फ्री वॉर डायग्राम सबसे पहले निकालते हैं अभी एक बात आपको याद रखनी है स्ट्रिंग अगर आपको दिया है स्ट्रिंग स्ट्रिंग में ऑलवेज क्या डेवलप होता है स्ट्रिंग में ऑलवेज डेवलप होता है टेंशन एंड टेंशन ऑलवेज एक्ट टेंशन ऑलवेज एक्ट अवे फ्रॉम पॉइंट ओके पॉइंट से अवे एक्ट होगा उसका डायरेक्शन जो दिखाना आपको वो आउटवर्ड साइड में दिखाना है ओके okay? डायरेक्शन जो दिखाना आपको आउटवर्ड साइड में दिखाना है याद रखना आपको ओके सो स्ट्रिंग है मुझे स्ट्रिंग कौन सा है सी बी और बीसी और सेकंड स्ट्रिंग है आपका सी ए और ए सी ओके दोनों स्ट्रिंग मैंने दिखा है अपोजिट डायरेक्शन में दोनों सी ए स्ट्रिंग है और बीसी स्ट्रिंग है मेकिंग है एन एंगल अभी देखिए यह एंगल जो है ये एंगल मुझे फोर्टी फाइव दिया है ये आपका कितना रहेगा ये रहेगा सो रिमेनिंग अगेन फोर्टी फाइव डिग्री ओके सो ये एंगल मुझे कितना मिला फोर्टी फाइव डिग्री क्लियर अभी ये अल्टरनेट एंगल ये और ये और एंगल अल्टरनेट एंगल हमारे सेम सेम रहते हैं बराबर सो so सो दिस इज डिग्री तो ये एंगल कितना होगा आपका सिक्सटी डिग्री सो so दिस एंगल विल बी सिक्सटी डिग्री एंगल मार्क करके लिए फोर्स कितना दिया है? इसका वेट कितना है बल्ब का डेट इज फिफ्टीन न्यूटन ओके अभी तीन फोर्स मिल गए सब एंगल मुझे पता है अप्लाई लैमी स्टेटम अगेन सो लेमिस्टरम क्या है फोर्स इनटू साइन ऑफ अपोजिट एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस 15 15 अपॉन साइन ऑफ अपोजिट एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस कितना रहेगा टोटल 180 है 180 में से 45 और 60 आपको माइनस करना है सो रिमेनिंग 75 ओके okay? 15 अपॉन साइन ऑफ 75 दिस एंगल विल बी 75 डिग्री ये एंगल आपका 75 डिग्री रहेगा सो 15 अपॉन साइन ऑफ 75 इज इक्वल टू टीएसी दिस लेंथ

15 अपॉन साइन ऑफ 75 sin 150 आपको मिलेगा टीबीसी का वैल्यू टीबीसी इज इक्वल टू 7.76 न्यूटन ओके चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल थ्री केबल्स आर जॉइंटेड एट जंक्शन सी थ्री केबल्स ज्वाइन किए एट जंक्शन सी एक दो और तीन केबल है डिटरमाइन टेंशन इन केबल एसी एंड बीसी कॉज बाय वेट 30 केजी सिलेंडर ओके यहां पे सिलेंडर दिया है ये सिलेंडर की वजह से ये दोनों स्ट्रिंग में और केबल में आपको टेंशन डेवलप होंगे ओके दोनों स्ट्रिंग में या केबल में आपके टेंशन डेवलप होने वाला है तो टेंशन मुझे पूछा है कितना आएगा ओके बिकॉज ऑफ दिस थर्टी के सिलेंडर ओके अभी सबसे पहले क्या बताया मैंने आपको कोई भी वैल्यू अगर आपको के में दिया रहेगा तो उसको न्यूटन में कन्वर्ट करना है मल्टीप्लाईट विदर्टी इंटू नाइन पॉइंट एट वन ये होगा आपका न्यूटन में कन्वर्ट अभी इसका फ्री वोल्ट डायग्राम मुझे ड्रॉ करना है सो मैंने आपको बताया टेंशन केबल में ऑलवेज क्या डेवलप होता है

इस केस में ये थर्टी दिया है ये कितना आपका नाइनटी है सो रिमेनिंग विल बी ये 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 और अल्टरनेट ये एंगल दोनों सेम रहते हैं आप इसको थर्टी दिखा सकते हैं या फिर इसको 60 दिखाओ दिखाओके okay, दोनों सेम ही है थर्टी और ये थर्टी दोनों अल्टरनेट एंगल सेम रहते हैं सो या, मैंने यहाँ पे थर्टी दिखाया है दोनों अल्टरनेट एंगल आपके सेम है अभी आपको क्या करना है अभी लेमिस थेरम यूज करना है यूज लेमिस लैमिस्थेरम ओके लेमिस okay? लैमिस्थेरम के क्या रूल है लेमिस थेरम का

ये जो ये एंगल ये एंगल और ये एंगल तीनों का एडिशन मेरा कितना आ रहा है ये एंगल एडिशन आ रहा है मेरा 135 डिग्री ओके okay? मुझे कह लेना है दो फोर्स में, में का एंगल लेना दो फोर्स मुझे कंसिडर करना है सो so, ये टी ऑफ एसी सी में कंसिडर जब करूंगा तब मेरे दो फोर्सेस कौन से अपोजिट फोर्सेस ये फोर्सेस है सो so, उन दोनों के बीच में का एंगल ओके okay? सो so, टी ऑफ ए सी अपॉन साइन अपन थर्टी फाइव इज इक्वल टू टी ऑफ बी सी टी ऑफ बी सी अपॉन साइन ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ बी सी अपॉन साइन ऑफ अपोजिट एंगल कितना है आपका टी ऑफ बी सी अपॉन साइन ऑफ वन ट्वेंटी कैसे है, है. यह so, एंगल आपका आता है सो टी ऑफ बी सी अपॉन साइन ऑफ वन ट्वेंटी एंड आखिरी थर्टी इंटू नाइन पॉइंट एट वन थर्टी इंटू नाइन पॉइंट एट वन अपॉन साइन ऑफ अपोजिट एंगल

टेंशन डेवलप इन द वायर सी एंड सीबी सी एंड सीबी में कितना टेंशन डेवलप होगा बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ दिस सिलेंडर टेन के जी सिलेंडर ओके सिलेंडर का वेट दिया है टेन के जी सिमिलर वे में आपको क्या होता है के जी को न्यूटन में कन्वर्ट करना है टेन इंटू 9.81 से मल्टीप्लाई कीजिए सो so, 10 इंटू नाइन पॉइंट एट वन वेट एक्ट होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में टेंशन है केबल में टेंशन ऑलवेज एक्ट अवे फ्रॉम जॉइंट अवे फ्रॉम पॉइंट टी सी बी और टी ऑफ सी ओके okay? और मुझे ये एंगल की वन है फोर्टी डिग्री थर्टी डिग्री दिस इज थर्टी डिग्री दिस इज फोर्टी डिग्री ओके okay? अभी क्या कर रहे है? हैं सिंपली अगेन लैमिस लैमिसम सिमिलर टाइप के एग्जाम्पल आपको एसपीपी एग्जाम में पूछते हैं सिमिलर टाइप के सेम एग्जाम्पल इसमें से दो चार एग्जाम्पल मैंने उसी एग्जाम एग्जाम में से लिए है

एन इनटू 9.81 अपॉन साइन 110 इनटू साइन ऑफ 130. सो टी आप सी एम लगा आपको 80 न्यूटन. क्लियर? चलिए देखते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल. 30 केजी पाइप इज सपोर्टेड एट ए. ओके. 30 केजी पाइप इज सपोर्टेड एट पॉइंट ए बाय अ सिस्टम ऑफ फाइव कॉर्ड्स. यहाँ पे पांच कॉर्ड दिए मुझे. वन टू थ्र ठीक है मतलब है पांच कॉर्ड गिवन मतलब पांच केबल आपको गिवन है डिटरमाइन फोर्सेस इन इच कॉर्ड फॉर इक्विलिब्रियम अभी क्या करना है आपको आपको दो पॉइंट दिए पॉइंट ए एंड पॉइंट बी पॉइंट ए के लिए आपको फ्री वॉल डायग्राम ड्रॉ करना है पॉइंट बी के लिए आपको फ्री वॉल डायग्राम ड्रॉ करना है सबसे पहले मैं करूंगा पॉइंट बी के लिए फ्री बॉल डायग्राम अब मैंने आपको बताया कि कॉर्ड या केबल अगर आपको दिया है ये वर्ड अगर आपको आता है केबल या कॉर्ड ओके okay. सो so, सबसे पहले क्या करना है आपको उस केबल में टेंशन डेवलप होने वाला है और टेंशन ऑलवेज एक्ट फ्रॉम अवे फ्रॉम पॉइंट ओके बी पॉइंट से अवे आपको दिखाना है उसका डायरेक्शन सो so, टी ऑफ बी सी टेंशन इन केबल बी सी इट इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन देखो इस डायरेक्शन में एक्ट होगा ओरिजेंटल डायरेक्शन में टी ऑफ बी डी विल एक्ट इन दिस डायरेक्शन अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ये एंगल मुझे फाइंड आउट करना है ये एंगल कैसे मिलेगा मुझको ये एंगल कैसे मिलेगा स्लोप मुझे गिवन है स्लोप

ये एंगल ऑलरेडी गिवन है कैसे ये सिक्सटी की वन मुझे अल्टरनेट एंगल हमारे सेम रहते हैं तो ये भी आपका कितना आएगा सिक्सटी आएगा सो so, एंगल 60 हुआ क्लियर ये होगा आपका फ्री बॉल बी।, बी के लिए मैंने फ्री बॉल डायग्राम ड्रॉ किया लेकिन यहाँ पे क्या मुझे दिख रहा है टी ऑफ बी सी अनो ने टी ऑफ ए सी अनो ने टी ऑफ बी डी अनो ने तीनों भी फोर्सेस है मैं सॉल्व कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ कोई भी एक फोर्स मुझे नोन होना चाहिए ओके okay, तीनों में से कोई भी एक फोर्स मुझे नोन होना चाहिए यहाँ पे तीनों भी है सो so, मैं ये सोल्व नहीं कर सकता हूँ चलिए नेक्स्ट ज्वाइन पे नेक्स्ट जॉइन नेक्स्ट ज्वाइन का मुझे फ्री बॉडी डायग्राम करना है so, again, है cord है सो अगेन केबल कॉर्ड कॉर्ड ए बी में क्या डेवलप होगा टेंशन टेंशन डेवलप डेवलप होगा होगा पे अवे फ्रॉम पॉइंट अवे फ्रॉम पॉइंट डेवलप होगा टेंशन सो टेंशन इन केबल ए बी एंगल मुझे ऑलरेडी गिवन है एंगल इज सिक्स डिग्री ओके ये फोर्स ये केबल है हमारा ए सो टेंशन इन केबल ए एक्टिंग इन होरिजेंटल डायरेक्शन ओरिजेंटली एक्ट हो रहा है सो ओरिजेंटल डायरेक्शन एंड लास्ट कौन सा आपका थर्टी के का पाइप है वेट ऑफ पाइप पाइप इज गिवन थर्टी के जी मैंने न्यूटन में कन्वर्ट किया थर्टी इन नाइन पॉइंट एट वन एग्जैक्टली एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन अभी यहाँ पे एक वैल्यू मुझे नोन है ओके okay? तीन फोर्सेस है तीनों में से एक वैल्यू मुझे नोन है so Serum, मैं और टी ऑफ ए भी सबसे पहले फाइंड आउट करूंगा ओके ये एंगल मुझे सिक्सटी ऑलरेडी गिवन था इसलिए मैंने सिक्सटी फुट किया अभी यह डायग्राम ए पॉइंट ए के लिए मैं सबसे पहले लैमिसरम यूज करूंगा

तो कैसे मिलेगा टी ऑफ ए बी इज इक्वल टू थर्टी इंटू नाइन एट वन अपॉन साइन वन ओके आपको मिलेगा टी ऑफ एबी का वैल्यून एट थ्री न्यूटन टी ऑफ एबी का वैल्यू मुझे पे मिल गया के लिए मैंने दोनों वैल्यूज फाइंड आउट किया अभी देखिए मुझे टी ऑफ एबी का वैल्यू कितना मिला है बी टी ऑफ ए बी दोनों का टेंशन कितना रहेगा सेम ही रहेगा ओके सो टी ऑफ एबी का वैल्यू मुझे यहाँ पे पुट करना है

और टी ऑफ बीसी के लिए फिर से ये दोनों को इक्वेट कीजिए आपको मिलेगा टी ऑफ बी का वैल्यू फाइव ओके सो इस प्रकार से हमें किसी भी, किसी भी भी पॉइंट का हम सपोर्ट रिएक्शन कॉन्टैक्ट रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं ओके सो आज हमने देखा है लेमिस थ्योरम जो यूनिट नंबर थ्री हम लोगों ने चालू किया है स्टार्ट किया आज यूनिट नंबर थ्री दैट इज इक्विलिब्रियम

अपना जो कोर्स है वो आप परचेज कीजिए सो लिंक फॉर दी कोर्सेज आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन